रानीगंज के रानीसहर मोड़ के पास रविवार को भुइया समाज उत्थान समिति के रानीगंज ब्लॉक कमेटी का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में रानीगंज के विभिन्न इलाकों से सैकड़ों की संख्या में भुइया समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से आगामी दिसंबर महीने में आसनसोल में होने वाली गरीब स्वाभिमान रैली को सफल बनाने की अपील की गयी। रानीगंज के रानीसहर मोड़ के पास रविवार को भुइया समाज उत्थान समिति के रानीगंज ब्लॉक कमेटी का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में रानीगंज के विभिन्न इलाकों से सैकड़ों की संख्या में भुइया समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए, जहां मुख्य रूप में आगामी दिसंबर महीने में आसनसोल में होने वाली गरीब स्वाभिमान रैली को सफल बनाने की अपील की गयी। इसके साथ साथ गरीब, पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों की विभिन्न मांगों को प्रमुखता से सरकार तक पहुंचाने पर चर्चा हुई। भुइया समाज उत्थान समिति के प्रदेश अध्यक्ष सिंटू भुइया ने हुंकार भरते हुए कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के गरीब, पिछड़े लोग अपने हक, अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेंगे। भुइया समाज उत्थान समिति के ब्लॉक सम्मेलन में सभी लोगों ने एकजुट होकर विचार बनाया है कि हम लोग ऐसी ताकतों के विरुद्ध लड़ेंगे जो उनके हक एवं अधिकार को छीनने का प्रयास कर रही है। इसी उद्देश्य से आगामी दिसंबर महीने में आसनसोल में गरीब स्वाभिमान रैली आयोजित होगी, जिसमें 1,00,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। समिति के प्रदेश अध्यक्ष सिंटू भुइया ने आरोप लगाया कि ऐसा देखा गया है कि कोयला खदानों में लंबे समय तक भुइया, बावरी, दलित और आदिवासियों का शोषण किया गया है। जिन श्रमिकों ने अपने खून पसीने से सींचकर कोल इंडिया को इस मुकाम तक पहुंचाया, उन श्रमिकों को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। उत्थान समिति के आज रानीगंज ब्लॉक का सम्मेलन था और सभी शाखा संगठन का केडर जो है, सभी गरीब तबके के लोग हैं। ये भुइया समाज उत्थान समिति के द्वारा वाहन पर तमाम SC ST दलित, पिछड़े, आदिवासी, सभी तबके के लोग, गरीब तबके के लोग एकत्रित होकर के यहाँ पर आज एक विचार बनाया गया और आगामी काल हम लोग आसनसोल के ज़िले में गरीबों की स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी जाएगी। गरीब स्वाभिमान रैली निकालेगा और हमारे कुछ डिमांड रहेंगे जो हम लोग डिमांड सौंपेंगे। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर विगत 1949-1948 के दशक से यहाँ पर कोयला खदान में जो काम कर रहे हैं उनको जबरन झारखंड, बिहार, UP या यहाँ के आदिवासी, यहाँ के बावरी समाज के तब के लोग, गरीबों लोगों को खदान में जबरन उतारा जाता था। उस समय 10 उतारते थे तो 10 खदान के नीचे जाते थे तो 8 आते थे घूर करके। अपनी प्राणों का आहूति दे करके आज इस कोल इंडिया को महारत्न तक पहुंचाया। आज रेलवे के जमीन में कुछ लोग रह रहे हैं, उन गरीबों को जिनका पास कोई आर्थिक सहयोग नहीं है, वैसे लोगों को घर से बेदखल किया जा रहा है, उनके परिवार को रोड पे लाने की कोशिश किया जा रहा है। ऐसे ताकतों के विरुद्ध हम लोग गरीब लोग, एक गरीब अपनी स्वाभिमान की रैली, उनकी बाल बच्चों, उनके परिवार को भी स्वाभिमान है, उनका भी मान सम्मान है, इस देश की जो अधिकार है, जो हम लोगों को घर, कपड़ा और मकान मिलनी चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए, ये न्यूनतम सुविधा हमको चाहिए, चाहे जो सरकार उपलब्ध कराए। इस अवसर पर भुइया समाज उत्थान समिति के जिला अध्यक्ष मोनू भुइया, पुरुलिया के जिला अध्यक्ष अजय भुइया, महेश भुइया, केदार भुइया, धर्मेंद्र भुइया, दुर्गादास मुर्मू, श्याम टूडू, माया देवी, सविता देवी, पूजा देवी और रेखा देवी समेत अन्य कई लोग उपस्थित थे। रानीगंज से रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।